अब खबरें विस्तार से। मानगो डिमना रोड स्थित सुजुकी के बाइक शोरूम में शनिवार को तड़के भीषण आग लग गई। शोरूम में रखे करीब 2 दर्जन बाइक जलकर खाक हो गए। मानगो डिमना रोड स्थित इस सुजुकी शोरूम को खुले अभी कुछ ही माह हुए हैं। शनिवार तड़के करीब 5 बजे शोरूम से धुआं उठता देखा गया। जब तक कुछ करते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। अग्निशमन विभाग की करीब 5 वाहनों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, मगर शोरूम के करीब 2 दर्जन बाइक को राख होने से नहीं बचा पाए। जलकर नष्ट होने वाली बाइक्स में करीब 14 लाख मूल्य की हायबुशु बाइक भी शामिल है। दुकान था और कितने का? ये सुजुकी कंपनी का मोटरसाइकिल का शोरूम था। नहीं बताइए कैसे काम चल रहा है, मतलब क्या सूचना मिला आपको, कब सूचना मिला? 5:30 बजे के आसपास सूचना मिली। 5:30 बजे के आसपास। क्या क्या देखे आपने जाकर? देखा अब तो देखे कि आग लगी है। कितनी गाड़ियाँ थी और कितने के नुकसान हुआ होगा आपका? 14-15 गाड़ियाँ थी उसमें। सबसे महंगी गाड़ियाँ कितने की थी? हायाबुसा थी। हायाबुसा कितने की थी? वो नियर अबाउट 15 लाख के आसपास। झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में सैकड़ों मामलों को निपटाए गए। इस दौरान 8 बेंचों में सुनवाई हुई। विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई। अदालत में बैंक, BSNL, प्रॉपर्टी समेत सैकड़ों मामलों को 8 बेंचों में निपटाए गए। बताया गया कि लोक अदालत के लिए करीब 10,000 लोगों को नोटिस भेजे गए थे। लेके आए बहुत मुश्किल। कितने टेबल लगाए गए हैं? हम लोग ऐसे 8 बेंच लगाए हैं आज लोक अदालत में, लेकिन उसके ऊपर भी हम लोग प्रयास किए कि हर बैंक के लिए या अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग बेंच भी अलग से लगाए, ताकि लोगों को जल्द और सुचारू रूप से लोगों का बात हम लोग सुन पाए और बात का निष्पादन कर पाए। तो कितने मामलों का निष्पादन? हम लोग तो टारगेट रखे हुए हैं, हम लोग मोर देन 10,000 लोगों को नोटिस किए और उम्मीद है कि अच्छा खासा संख्या में हम लोग 3 बजे के बाद एग्जैक्ट डाटा की तरफ बढ़ पाएंगे। किस तरह के मामले ज्यादा आए हैं? प्री लिटिगेशन में जैसे बैंक्स केसेस, आपका BSNL केसेस या कोर्ट में पेंडिंग केसेस या और भी किसी का कोई भी समस्या हो, जो हम लोग प्री लिटिगेशन में दर्ज करके उसका निष्पादन कर सकते। उधर लोक अदालत आई सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने परिसर पर ही जमकर हंगामा मचाया। सभी महिलाओं ने जनलक्ष्मी नामक फाइनेंस कंपनी से लोन ले रखा है, मगर नोटबंदी की वजह से वे लोन लौटा नहीं पाई है। साल भर भरा है, कोई 12 महीना, कोई 8 महीना, कोई 4 महीना, पर यहाँ पे कोई ना फिंगरप्रिंट ले रहा है ना कुछ, और फिर घर में आ रहा है और आप लोग लोन नहीं दे रहे हैं। तो जैसे कुछ किसी का हो गया, दुख तकलीफ भी तो समझना चाहिए ना, वो नहीं समझ रहा है। यहाँ तक तो लेडीज लोग को कॉल करके गंदा गलत गाली भी दे रहा है, उल्टा सीधा घर में आ रहा है, मर गई फांसी लगा के। उसका जिम्मेवार कौन है? जनलक्ष्मी है। और भालूबस्ता में भी लेडीज एक मर गई फांसी लगा के, तो उसका जिम्मेवार कौन है? आवास जाएगा कहाँ लाने करेगा? बाप रे, हालांकि ये तो मैं सुनाई देगा सबको। ए जो जो चिल्ला जल्दी को बंद करो, करिए बात है। लक्ष्मी के द्वारा लोन लिए हुए हैं हम लोग मेंबर्स हैं। हमारे यहाँ पर मैं जनलक्ष्मी द्वारा इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया गया। हम लोग नोटबंदी के पहले तक हम लोग हर महीना लोन भरते थे, लेकिन जब से नोटबंदी हुआ है, ये हम लोग को कच्चा बिजनेस के लिए पैसा दिया गया, लेकिन जिस दिन से नोटबंदी हुआ हमारे जो मेंबर्स है वो पैसा देने में असमर्थ है, वो लोग पैसा दे नहीं पा रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जनलक्ष्मी बहुत ज़्यादा ही प्रताड़ित किए जा रहे हैं।
सभी कस्टमर्स के घर पे आ रहे हैं, घर पे आके गुंडागर्दी कर रहे हैं, घर में सामान उठाने का धमकी दे रहे हैं, यहाँ तक कि अगर घर में डेड बॉडी पड़ा हुआ है फिर भी उन लोग नहीं सुन रहे हैं। जमशेदपुर कॉइन कलेक्टर्स क्लब द्वारा आयोजित जैम कॉइन 2017 नामक कॉइन और स्टैम्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। दुर्लभ सिक्कों की प्रदर्शनी में इस बार दुर्लभ डाक टिकटों को भी शामिल किया गया है। इस बार नया ये रहा कि जो सिक्के जिस काल के थे, तारापुर स्कूल के बच्चों ने उसी काल का ड्रेसअप भी कर रखा था। इससे पूर्व प्रदर्शनी का उद्घाटन जुस्को के MD आशीष माथुर, रंजना मिश्रा, गोविंद माधव शरण ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। प्रदर्शनी 3 दिनों तक चलेगी। किंग जॉर्ज 6 और क्वीन एलिजाबेथ, वहाँ की यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन के किंग और क्वीन बने थे, तो उनका कॉइन इंडिया जब अंग्रेजों के शासन में था तब ये कॉइन्स इंडिया में भी यूज होते थे। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया उसके बाद भी ये कॉइन्स यूज होते थे, जब तक 1950 तक इंडिया रिपब्लिक नहीं हो गया था। फ्रॉम जेस तारापुर स्कूल, ये कॉइन्स हमारा किंग जॉर्ज 6 को एंड उनकी पत्नी किंग क्वीन एलिजाबेथ को रिप्रेजेंट करता है। किंग जॉर्ज 6 राजा थे 1936 से लेके 1952 तक, और क्वीन एलिजाबेथ उनकी क्वीन थी। 1952 में जॉर्ज 6 के डेथ हो जाने के बाद क्वीन एलिजाबेथ परमानेंट क्वीन बन गई, और फिर उनके बच्चे, उनके डॉटर्स हुए एलिजाबेथ 2 और 2 डॉटर्स हुए, उसके बाद क्वीन एलिजाबेथ क्वीन बन गई थी। तो ये देखिए, क्वीन एलिजाबेथ है एंड ये किंग जॉर्ज 6 है, और ये सब उनके टाइम का कॉइन्स है। बाद में आइए, बाद में, अभी दुकान लगा। कॉइन है ये 2017 का जो है, और क्योंकि ये बहुत अपने आप में एक अलग तरह की हॉबी है, जो एक स्पेशल जो हमारे कुछ लोग होते हैं जिनका एक अलग तरह से इंटरेस्ट होता है, तो उससे सिलसिले में ये जो एग्जीबिशन हम लोग हर साल करते हैं, इस बार उसमें थोड़ी सी यूनिक चीज़ इस तरह से है। अगर आपने देखा होगा कि बच्चे जिस इरा का कॉइन दिखा रहे हैं उसी तरह से तैयार भी हुए हैं। इंडियन फुटबॉल लीग के अंतर्गत जमशेदपुर FC का शहर में दूसरा मैच 10 दिसंबर को पुणे की टीम से है। टीम के कोच स्टीव कोपाल ने टीम के बेहतरीन प्रदर्शन के प्रति खेल प्रेमियों को आश्वस्त किया है। इंडियन फुटबॉल लीग के अंतर्गत 10 दिसंबर को GRD में जमशेदपुर FC का दूसरा मैच पुणे की टीम से है। कोलकाता के विरुद्ध 1-0 से जीत के बाद टीम का हौसला बढ़ा है, और कोच स्टीव कोपाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि टीम का प्रदर्शन पहले से काफी बेहतर होता जा रहा है, और कोलकाता टीम से जीत के बाद अब जब टीम ने जीत का स्वाद चख लिया है तो आगे जो होगा बेहतर ही होगा। Very good scoring opportunities on the evening. We won the game 1-0. We'd like to have won it by more. The 3 points is the mantra of football these days.